गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और आज मैं जोशीमठ में ही हूँ और आज हम जोशीमठ से जाने वाले हैं बद्रीनाथ। तो आज हमारा प्लान है बद्रीनाथ जाने का। इसके लिए हम लोगों ने टैक्सी बुक करी है और क्योंकि किसी का भी ड्राइविंग का मन नहीं था। एक्चुअली हरिद्वार से यहाँ तक आने में ही बहुत ज़्यादा ड्राइविंग लग गई थी और कल फिर से इतनी ड्राइविंग करके वापस ऋषिकेश जाना है, तो आज किसी का भी मन नहीं था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग आराम से बैठ के टैक्सी में जाएंगे। तो आज हम लोगों ने टैक्सी प्लान की हुई है, तो सब लोग एक साथ फैमिली मिलके भी जाएगी तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी रहता है। देखते हैं, 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं अभी भी जोशीमठ से। 2 घंटे लग जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। मेरे साथ मेरी सिस्टर इधर है, उसने फुलकारी का दुपट्टा पहना है। आपको याद होगा हम लोग दिल्ली हाट साथ में ही गए थे, तो उसने ये वाला फुलकारी का दुपट्टा खरीदा था और मैंने क्रीम कलर में खरीदा था फुलकारी वाला। इसमें भी बहुत ही प्यारा वर्क हो रहा है और साथ में उसने पहनी है प्लाजो, साथ में प्लाजो एंड पिंक कलर का सूट पहना है। और मैंने यहाँ ब्लू पहना है, प्रॉपर ब्लू, ये लंबी लेंथ वाला है और इसके साथ वाइट मेरी लेगिंग है और साथ में दुपट्टा। और मैंने आज बिंदी भी लगाई है दीदी के कहने पर। उसने बोला तुम्हारे चेहरे पर बिंदी सूट करेगी सूट के साथ और ईयर रिंग्स के साथ, तो मैंने उसके कहने पर आज बिंदी भी लगाई है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग 2 से 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर, वहाँ से हमारा प्लान है आगे जाने का, माना गाँव जाने का हम लोगों का प्लान है। जो इंडिया का लास्ट विलेज में से माना जाता है, ऐसा मेरा जिया जी बता रहे थे। वो लोग काफ़ी टाइम बाद जा चुके हैं तो उनको बहुत आइडिया है इसका, है ना जिया जी? हाँ, तो जिया जी तो कई बार जा चुके हैं। तो मैं पहले हम लोग जाएंगे अपना बद्रीनाथ एंड देन उससे 5 किलोमीटर आगे जाएंगे माना गांव। तो जो भी कुछ होगा मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। अभी सुबह की चाय नहीं पी है तो सबसे पहले एक कप चाय पीते हैं मैं और दीदी, फिर मिलती हूँ आपको। तो मैं आज आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ। मैं और प्रशांत बिल्कुल मैचिंग के कपड़े पहने हुए हैं। कल भी हम लोगों ने मैचिंग ट्राई किया था, कल मैंने येलो पहना था तो इन्होंने भी येलो पहना था। हेलो, तो आज हम लोगों ने दोनों ने ब्लू पहना है। हेलो कशिश, कशिश ने पिंक पहना है, अभी लाइट अच्छी नहीं आ रही। हेलो जिया जी, हेलो पापा, वी ऑल आर सेट, सब जल्दी भाग भाग के तैयार हो गए। एक बच्चा पीछे छिपा हुआ है, दूसरा नंबर लिखोगे नहीं लगेगा बाद में। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी ओनली एंड ओनली 7 o'clock हुए हैं और हम सब तैयार होके निकल गए और हम इसको भी लेट समझ रहे हैं कि हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि हमारा प्लान था 6:30 निकलने का, लेकिन फिर भी हम लेडीज इतनी जल्दी तैयार हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है, पीछे आप देख सकते हो, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है रास्ते में और ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं जिसकी वजह से सबको रोक दिया गया है ट्रैफिक को। किसी पता ऐसी गिरा था हमारे गाड़ी पे। तो आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ का अरेंजमेंट कैसा है? यहाँ के रास्ते का अरेंजमेंट अच्छा है, काफी सारी पुलिस है और साथ में रोक दिया है। मतलब हर
साइड पे हर कोने पर वो लोग ध्यान रख रहे हैं कि रास्ता जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और साफ होना चाहिए, लेकिन लोग उतर उतर कर ना अपनी सेल्फी खींचने में लगे हुए हैं। तो एक दो सेल्फी गिरे। हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखा, जस्ट पीछे की तरफ था, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल था। रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, थोड़ी पतला है रास्ता, लेकिन रास्ता अभी मैंने दिखाया था, इससे जस्ट पहले यही रास्ता था, वो ये वाला अभी दिखा। लोग अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं, बाइक से तो बहुत लोग हैं, और हम लोग टैक्सी से आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पूरे रास्ते आप इंजॉय करते जा सकते हो, मतलब आपको इतना सीनिक व्यू मिलने वाला है, इतना सीनिक व्यू कि आपको मज़ा आ जाएगा इन टोटल। हाँ, बहुत ही सुंदर व्यू है, चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में नदी बह रही है, और रास्ता भी इतना खूबसूरत है, पहाड़ियों से कटा हुआ, बहुत ही खूबसूरत। तो जोशीमठ से जब आप बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक रास्ता है जो कटता है, जो कि जाता है फूलों की घाटी की तरफ, और एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब, ना हेमकुंड साहिब, जो कि काफ़ी फेमस तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर लोग सिख धर्म का है, लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, अलकनंदा में नहा रहे लोग। तो ये बहुत प्यारा सा झरना अभी निकला, तो लोग वहाँ पर भी बाइक से जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं, बाइक का भी रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ओके, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बद्रीनाथ, और ये बद्रीनाथ का जाने वाला पैदल वाला रास्ता है, जो कि बहुत, जहाँ पर सारी शॉप वगैरह हैं, तो आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, प्रसाद खरीद सकते हो, यहाँ के फेमस जो स्वेटर वगैरह शॉल वॉल होती है वो भी देख सकते हो आप, यहाँ के जो खुद लोगों ने एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, वर्क किया हुआ है उनके ऊपर।
शॉप जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा है चढ़ाने के लिए, तो जहाँ से आप प्रसाद लेते हो वहीं पर आप अपनी शूज भी उतार सकते हो, शूज या स्लीपर्स, और वहीं पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान बैग वगैरह रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया है अपना, मैंने यहाँ पर अपना सामान भी रखा है और बैग भी यहीं पर मैंने रख दिया है। बद्रीनाथ के टेंपल में करते हुए हो गए ऑलरेडी, और पता नहीं कितनी लंबी वॉक और है, लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत है, ये वाला रास्ता आप देख सकते हैं। बीजेपी के नेता रविशंकर जी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और उनको वीआईपी की कोटे वाली लाइन में से दर्शन भी कराए गए थे। बद्रीनाथ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल जो कि बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, है ना कशिश, कैसा लगा? बहुत ही प्यारा। आप गेस नहीं करोगे हम किससे मिले, दादा हम किसी वो मैंने बता दिया था, लेकिन उससे भी अच्छी। अच्छा, और हाँ आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड से मिली, यूएस के फ्रेंड थे हमारे। कोइंसिडेंटली बताइए कैसे मिल गए, मतलब कोइंसिडेंस इतना अच्छा था कि हम आज मिल गए। वो इंडिया के टूर पे आए थे अमेरिका से, बट हम तो ऐसी हमारे तो जनरल टूर चल रहा था इंडिया से, कुछ वन मंथ के लिए इंडिया आए हुए हैं, और हम लोग वो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और वो हम लोगों को यहाँ मिल गए, मतलब देख के इतनी खुशी मिली ना, अब यकीन लग रहा था कि एक साल बाद मिली हूँ मैं उन लोगों से, बहुत अच्छा लग रहा था। चार चार पाँच हम लोगों ने 4 से 5 बार दर्शन करे, बहुत ही अच्छी लाइन मिल गई। हम आपको टिप बताएंगे, एक और बेस्ट टिप अपने व्यूअर्स के साथ, अगर यहाँ पे आप नॉर्मली आए तो जनरली आपकी जो वेटिंग टाइम है 2 to 2.5 hours है, 2 to 2.5 hours है, बट यहाँ पे अगर जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे जनरली वेट टाइम जो आपकी लाइन है काफ़ी लंबी रहती है, 2 to 2.5 hours लगता है, बट इधर एक गेट नंबर 3 है, आप उधर से जाएं और एक वहाँ पे एक गेट है और वहीं पे एक छोटी सी लाइन लगती है कोने में से, जो कि यहीं के लोकल लोगों के लिए, बट अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप ही उसमें एडजस्ट हो सकते हैं और ज़्यादा बात करके आप उसमें जा सकते हैं रिक्वेस्ट करके, तो वहाँ से आपके एकदम सामने से ऊंची की साइड से दर्शन हो सकते हैं। आगे आगे
मैंने और दीदी ने बिना कुछ खाए पिए खाली पेट आज दर्शन किए हैं और अभी 12:30 बज रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। खाली अभी भूख लग रही है, लेकिन दर्शन करके खाली पेट अच्छा लगा। बद्रीनाथ में मिश्रा जी के होटल में बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल बद्रीनाथ के एक जो सामने गली जाती है मंदिर के लिए, बिल्कुल सामने पड़ता है मिश्रा जी का होटल। और बस देखते हैं कि क्या खाते हैं। अभी दीदी कुछ ऑर्डर करने वाली है, अपना फेवरेट कुछ ऑर्डर करने वाली है, सबका फेवरेट ऑर्डर करने वाली बाय द वे। तो मैं बताऊंगी आपको कि खाना कैसा था खाना खाने के बाद। आज इतना मजा आया है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन, बहुत ही अच्छे, मतलब मन जो है खुश हो गया। और प्रशांत ने तो मुझे लगता था कि पंडित जी के जगह यही बैठने वाले थे, इतनी बार दर्शन करके आए हैं, कम से कम 6-7 बार दर्शन करके आए हैं। मुझे लगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दीदी ने पता किया था लाइन के बारे में। क्योंकि इनका खाना बहुत ही डैम टेस्टी था, यम्मी। मिश्रा जी रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो आप वहाँ पर आकर खाना ज़रूर खा सकते हैं। बिल्कुल बद्रीनाथ के मंदिर के पास ही है, थोड़ा सा पहले पड़ जाता है मंदिर थोड़ा। तो भैया आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। आप कब से काम कर रहे हो मिश्रा जी के? 4-5 साल हो गए। अच्छा खाना।